बेगूसराय में शराब रखने से भाई को मना करना एक भाई को उस वक्त महंगा पड़ गया जब भाई ने अपने ही भाई को पिस्टल के बट से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। बताते चले कि रतनपुर मोहल्ला निवासी मुकेश को पिस्टल से सर पर प्रहार कर जख्मी कर दिया गया। खून से लथपथ हालात में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जख्मी ने जब आप बीती सुनाई तो शराब तस्करी का विरोध करना ही जख्मी मुकेश को महंगा पड़ गया। इससे पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। बेगूसराय के रतनपुर मोहल्ला में चार भाइयों की जिंदगी आराम से कट रही थी। सबों में बेहतर संबंध भी थे। सभी एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खाते थे। लेकिन सोमवार की रात तीन भाई एकाएक एक भाई मुकेश कुमार की जान के दुश्मन बन बैठे। तीनों भाइयों ने उसके सिर पर पिस्तल के बट से प्रहार कर उसे जख्मी कर दिया। पत्नी बचाने दौड़ी तो उसे भी पीट डाला। जख्मी मुकेश का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जख्मी ने बताया कि उसका भाई शराब तस्कर है। उसकी हिस्से की जमीन पर सोमवार की देर रात विदेशी शराब उतरवा रहा था। जब वह अपनी जमीन पर शराब उतरवाने से मना किया तो पिस्टल के बट से मार मार के उसे जख्मी कर दिया गया। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट, BNP न्यूज। कौन? विकास कुमार, शैलेंद्र कुमार, चिंचिन कुमार। कौन लगता है आपका? मेरा भाई लगता है। अपना? हाँ। काहे के लिए विवाद, क्या चीज का विवाद हुआ? जो दारू निकालना, उसमें बोले मेरा जमीन मोटे हुए। हम मोटे हुए, मेरा जमीन दारू मत रखो। मेरा पत्नी चिकर कहने के लिए गई, हम निकले घर से, बोलने लगे उसमें हम लोग को मार दिया। क्या चीज से मारा? पिस्तौल के बट से। किसको किसको मारा? पत्नी को मारा, हमको मारा। अच्छा, इसकी शिकायत थाना के दिए? थाना को, मुफस्सिल थाना को शिकायत की। हाँ, कोई कार्रवाई अभी तक कोई नहीं। उसके बाद रात भी धमकी दिया है, मार देंगे, केस किया है। अच्छा, कौन धमकी दिया? शैलेंद्र कुमार, चुंचन कुमार, विकास कुमार, रोहित कुमार।